तो चलो भाई साहब रिव्यू करने वाले चेंगिस मूवी के थर्ड सॉन्ग रगाड़ा को, जो कि रिलीज हो चुका है। एंड देखने के बाद मैं एक ही चीज कहने वाला हूँ, ब्लॉकबस्टर धमाकेदार सुपर से ऊपर। बट मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सॉन्ग ऐसा निकलेगा, बट ये सॉन्ग काफी अच्छा निकला, सुन के मेरे को काफी ज्यादा मजा आया। मतलब एक गैंगस्टर मूवी के अंदर जैसे ऐसे सॉन्ग होने चाहिए, जो जो चीजें होने चाहिए इस मूवी के अंदर, वैसा सब कुछ हो रहा है। मतलब शुरू से लेके अब तक जितने भी चीजें इस मूवी को लेकर रिलीज हुआ है, वो टीजर, ट्रेलर, गाने, पोस्टर, जितनी भी चीजें हुई है भाई, सब कुछ इंप्रेस कर रहा है। और भाई ये भी सोच के मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूँ कि भाई इस मूवी का जिस हिसाब से बजट है और जिस हिसाब से चीजें रिलीज कर रहे, देख के लग नहीं रहा कि भाई इतने कम बजट के अंदर इतना चीजें ये लोग कर पा रहे हैं। ये मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग है जो भी चीजें ये लोग कर रहे हैं, वो गाने हो या फिर जो भी चीज हो। इस सॉन्ग के अंदर जितने भी चीजों को दिखाया गया, जो ओवरऑल सेट डिजाइनिंग है वो काफी खूबसूरत है, जिस तरह के लुक्स काफी बेहतरीन लग रहे थे, वो जो डांस कर रहे थे। और इस मूवी का जो कहानी है, जो कंसेप्ट है, जो कि 70s 90s के एरा को दर्शाते हैं, और इस मूवी के अंदर बाकी जितने भी कैरेक्टर्स आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, वो भी उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। और इस सॉन्ग के अंदर भी जिस हिसाब से जिस तरह के लुक्स हैं, जितने भी सेट डिजाइनिंग है, जितने भी चीजें, और उन सभी चीजों को काफी अच्छी तरीके से यूज किया गया है, जो कि देख के लग रहा है कि हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर काफी बारीकी से ध्यान दिया गया। और ये मूवी आप लोगों को बजट के मामले में शायद थोड़ा सा टाइट देखने को मिल सकता है, लेकिन बाकी सभी चीजें दिल खोल के दिखाया गया है। यानी इसके अंदर आपको कहानी, कंटेंट, स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस से लेकर हर वो चीज। इस सॉन्ग के अंदर सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो है म्यूजिक। म्यूजिक काफी अच्छा है, लिरिक्स भी काफी अच्छी तरीके से लिखे गए, ओवरऑल सॉन्ग को भी जिस हिसाब से गाया गया है, किंग मिल्खा सिंह ने गाए हैं, तो भाई अलग ही लेवल होगा, उनका वॉइस ही अलग लेवल होता है। जिस हिसाब से सॉन्ग को गाया भी है, काफी अच्छी तरह से गाया गया है, मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लगा। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होने वाले, बट ये हुआ और मुझे ये चीज काफी ज्यादा फैंटास्टिक लगा। तो ओवरऑल इस सॉन्ग की अगर बात करें तो फुल पार्टी एंथम सॉन्ग है, ये काफी चलने वाला है, आई होप सो। एंड आपको ये सॉन्ग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते। और अभी तक अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग नहीं देखा तो जाके देखिए, सुनिए, एंड फिर आके मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। सो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर। सो मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।